पब्लिक टीवी आपकी आवाज। उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक कपड़े के गोदाम में अचानक भीषण आग लग गई। आग लगने से व्यापारी का लाखों का कपड़ा जलकर राख हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस और दमकल विभाग की टीम ने आग पर घंटों की मशक्कत के बाद काबू पाया। मामला जनपद मुरादाबाद के थाना भोजपुर के रानीनागल क्षेत्र का है। ग्राम पंचायत रानीनागल निवासी आशिफ मलिक और दो अन्य साथियों ने मिलकर पुराने कपड़े का गोदाम खोला था, जिसमें लाखों रुपए का माल था, लेकिन देर रात अचानक आज गोदाम में आग लग गई, जिससे लाखों का माल जलकर राख हो गया। गांव के लोगों ने आग को बुझाने का काफी प्रयास किया, लेकिन आग को काबू नहीं कर सके। दमकल को घटना की जानकारी दी गई। मौके पर दमकल की गाड़ियां पहुंच गईं, जिसके बाद घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक गोदाम में रखा सारा माल जलकर राख हो गया। पता नहीं किसी व्यक्ति द्वारा किस आग लगा दी गई है। अच्छा, किसी से कोई रंजिश वंजिश तो नहीं है? नहीं, हमारी तो ऐसा कोई नहीं है। अच्छा, कितने रुपए का कपड़ा होगा इसमें? करीब 15 लाख रुपए का कपड़ा इसमें होगा। 15 लाख रुपए। अच्छा अच्छा, पुलिस वुलिस को सूचना दी है? जी हाँ, सूचना दी है अभी। अच्छा, पुलिस आ गई? हाँ, पुलिस आ चुकी है।